दोस्तों हम भैरव मंदिर, तो भैरव मंदिर जाने से पहले हम यहाँ पर जरूर जाते हैं श्री शीतला चंडा काली प्राचीन मंदिर। आप भी जरूर आइए भैरव मंदिर जब आए, वो रहा सामने भैरव मंदिर। और ये देखिए यहाँ पर शांति है, यहाँ पर लोग कम ही पता है, लोग भैरव मंदिर तो आते हैं बट शीतला का माता मंदिर नहीं जाते। तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर आइएगा। बाकी मैं भैरव मंदिर का भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस मंदिर श्री बाबा दधिया भैरवनाथ जी पांडव कालीन। तो ये एंट्री है ओल्ड फोर्ट से। और ये देखिए पार्किंग, वो था काली माता मंदिर। तो आप एक ये एंट्री है यहाँ से, और एक मेन रोड से भी एंट्री है, आप जहाँ से भी आना चाहे आ सकते हैं। बट यहाँ से ज़्यादा सही रहता है, आप गाड़ी पर पार्किंग करिए और आराम से आ सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं अंदर से दिखाऊँ अगर अलाउ हो रहा होगा तो। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं। यहाँ पे ओल्ड फोर्ट भी दिखता है यहाँ से, और यहाँ पे लोग थोड़े बहुत बैठे हुए हैं। वहाँ से जाऊँगा, देखते हैं वहाँ पे क्या है। क्योंकि मैं खुद यहाँ से पहली बार जा रहा हूँ, नहीं तो हम भी मेन रोड से ही जाते थे। मेन रोड से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ऊपर ओल्ड फोर्ट है, ये रहा पैसेज। चलो चलते हैं अंदर। वो देखिएगा हम वहाँ से आए थे, और ये ओल्ड फोर्ट की बाउंड्री, और ये है भैरव मंदिर है। मैं खुद ये पहली बार आया हूँ। एक ये भी है और एक और भी है भैरव मंदिर के साथ ही, वो भी वहाँ पर दिखाऊँगा। चलो मैं दर्शन कर लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर दो भैरव मंदिर हैं, एक तो ये वाला है और एक और जो मेन रोड से एंट्री वो अलग है। ठीक है गाइस, यहाँ से दर्शन करते हैं। अंदर अलाउ नहीं है हमें ले जाना कैमरा, तो मैं इसलिए बार बार से दिखा रहा हूँ। दर्शन करके आते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस मैं ये जो भैरव जी का मंदिर है, मैं वहाँ से होकर उनका दर्शन अच्छे हो गए। मुझे वैसे इनकी हिस्ट्री पता नहीं है, कोशिश करूँगा मैं जान पाऊँ किसी से बात करके। बाकी अब हम मेन रोड पर, जो मेन रोड पे भैरव मंदिर वहाँ चलता है उसके सामने ही है, और यहीं से एंट्री है। आपको मेन रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार अपनी यहाँ से गाड़ी पार करके आए, वहाँ के दर्शन कर लिए। सबसे पहले आप कराइए माता जी के, काली माता का मंदिर जो वहाँ पर है, सीधा सामने आपको दिख रहा होगा। तो फिर आप इनके दर्शन कर लीजिए लेफ़्ट में जो है, फिर आप कर लीजिए भैरव जो सबसे फेमस है यहाँ का, जहाँ मेन रोड से भी एंट्री और यहाँ से भी है, हमें मेन रोड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए आप लोग जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं वहाँ से, कोशिश करेंगे कुछ वीडियो बन सके। बट जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती थी संडे को, खासकर सैटरडे संडे तो होती ही। गाइस ये रहा मैं मेन रोड से भी आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है मेन मेन रोड की एंट्री, ये सामने प्रगति मैदान, ये भी मेन रोड। बाबा जी के अच्छे दर्शन हो गए भैरव बाबा की, ये तो मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया जैसे अब लिखा भी है यहाँ पे। तो अब दर्शन करने के बाद अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए, तो मैं खा रहा हूँ यहाँ पे की फेमस कचौड़ी, बहुत ही टेस्टी होती है, आप भी खाइएगा ज़रूर। तो अब चलते हैं दोस्तों। मैं आ गया हूँ भैरव, ये मेन रोड थी मेरी मेरी बाइक। तो चलते हैं, हो गए दर्शन अच्छे, आप भी आइएगा। ध्यान रखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग का, और छूए मत किसी को भी, क्योंकि बहुत भीड़ थी। इतनी ज़्यादा नहीं भीड़ थी बट थी फिर भी भीड़। तो अपना ध्यान रखिएगा और बी सेफ।
आइए आप, यहाँ पे आराम से दर्शन हो रहे हैं। इतना ज़्यादा अंदर रुकने नहीं दे रहे बिल्कुल भी, जो पहले पाठ पूजा करने देते थे मैडम बिल्कुल भी। तो हम ये मैंने पार्किंग में खड़ी करी है, 30 रुपये लिए हैं पार्किंग वाले ने। अपने ग्लव्स डाल लेते हैं। अगली जगह कौन सी देखना पसंद करते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन बी से